हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वल्लभ अखिल और अभी मैं हूँ सुंदरबन नेशनल पार्क में। यहाँ की बहुत ही अमेजिंग क्लाइमेट के अंदर मैं बोट सफारी कर रहा हूँ। सुंदरबन दुनिया के सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट होने के साथ साथ सबसे लार्जेस्ट डेल्टा आइलैंड भी है और सबसे डाइवर्स मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। यहाँ पे लगभग 84 मैंग्रोव के स्पीशीज दिखने को मिल सकते हैं और काफ़ी सारे रूट स्ट्रक्चर भी हमको यहाँ पे दिखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंग्रोव की सबसे मेन स्पेशलिटी है जो ब्रीदिंग रूट्स या फिर न्यू मेटोफोर्स जिसको कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोन रूट्स मिलते हैं, फिर स्नेक रूट्स मिलते हैं, सपोर्टिंग रूट यानी कि स्टिल्ट रूट देखने को मिल सकते हैं, फिर यहाँ पे नी रूट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ के पेड़ यानी कि ट्रीज के सर्वाइविंग स्ट्रेटजी भी काफ़ी डिफरेंट हैं। इनमें कई सारे पेड़ हैं जिनमें विविपोरस जर्मिनेशन देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जब एक सीड वो फुल्ली मैच्योर होने के बाद मदर प्लांट में रहते हुए ही वो जर्मिनेट होने लगते हैं, यानी कि उसके रूट्स या फिर जो मेन टिम्बर होते हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं। तो वो मदर प्लांट में ही रहते हुए जर्मिनेट हो गया। फिर यहाँ की मिट्टी पूरा ज़्यादातर टाइम समर्स रहने के कारण दलदली रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन रहता है तो वो नरम रहता है। तो नरम मिट्टी में जैसे ही वो सिलिंड्रिकल शेप में भी रहते हैं ज़्यादातर यहाँ के स्ट्रीट्स, तो वो जैसे ही नरम मिट्टी में गिरते हैं वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, वहाँ पे अटक जाते हैं तो वहीं पे ग्रो कर जाते हैं। जिस कारण मैंग्रोव अगर आप देखेंगी बहुत ज़्यादा डेंस हैं। यहाँ पे लैंड के फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। जैसे कि इस एरिया में आप देख रहे हैं काफ़ी सारे डेड ट्रीज हम लोगों को दिखने को मिल रहे हैं। ये सभी सॉइल इरोशन के वजह से अचानक से नीचे आ गए, फिर ये ट्रीज़ जो हैं उनके रूट्स ख़त्म होने के कारण वो मर गए हैं। बाकी कुछ लैंड हमको थोड़ा अपर साइड में दिख रहे हैं, यहाँ पे पूरा सॉइल इरोशन हो रहा है और ऑपोजिट साइड में अगर हम देखें तो वहाँ पे सॉइल डिपोजिशन होते हैं। रिवर का ये हमेशा एक रूल्स के जैसे हैं कि रिवर के एक साइड से इरोशन होते रहते हैं, एक साइड से डिपोजिशन होते रहते हैं, लेकिन मैंग्रोव के रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं और एक दूसरे से इतना ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं कि ये सॉइल इरोशन को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करते हैं। और मैंग्रोव हमारे नेचर के लिए भी बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आप अगर देखेंगे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट बे ऑफ बंगाल में जितने भी साइक्लोन वगैरह फॉर्मेशन होते हैं वो सबको सबसे पहले खुद के ऊपर ले लेते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन जो लोग केवल रॉयल बंगाल टाइगर को देखने के लिए सुंदरबन आते हैं, मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्लेस टू स्पॉट अ टाइगर। लेकिन यहाँ के मैंग्रोव नेचुरल डाइवर्सिटी और अगर ट्रीज बर्ड स्पॉटिंग के लिए हम सुंदरबन विज़िट करें तो आई थिंक यहाँ के एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे रहेंगे सभी के लिए। यहाँ पे कुछ फिशरमैन फिशिंग कर रहे हैं मेरे सामने ही। यहाँ पे असल में सोर्स ऑफ इनकम मेजरली तीन ही है, एक तो फिशिंग और क्रैब कलेक्शन और नहीं तो हनी कलेक्शन। अभी इस टाइम पे हनी कलेक्शन के लिए भी परमिट्स मिल चुके हैं कुछ लोगों को और यहाँ पे ये लोग फिशिंग कर रहे हैं, कुछ लोग क्रैब कलेक्शन के लिए भी जाते हैं। सुंदरबन के एरिया में मॉनसून का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, टोटली डिफरेंट, क्योंकि मॉनसून के टाइम पे साइक्लोन वगैरह के भी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये जो क्लाउडी वेदर नदी के ऊपर से जब आप चल रहे हैं तो ये टोटली एक डिफरेंट फील देते हैं।